खटीमा में निकली किसान संकल्प यात्रा। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता को तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को पेश कर रही है आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा। आज उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में पहुंची। किसान संकल्प यात्रा के खटीमा में पहुंचने पर आप पार्टी के पंजाब के सांसद व पंजाबी सिंगर भगवंत मान का आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। आप पार्टी द्वारा रामलीला ग्राउंड में आयोजित जनसभा आप पार्टी के नेताओं द्वारा बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। भगवंत मान द्वारा युवाओं को आपकी सदस्यता दिलाई गई। वहीं मीडिया से वार्ता में भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी सत्ता के घमंड में किसानों को नहीं सुन रही है, जबकि किसान एक साल से ज़्यादा हो गए हैं और कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत हैं। वहीं भगवंत मान ने कहा कि उधम सिंह नगर जनपद को मिनी पंजाब कहते हैं, इसलिए उधम सिंह नगर जनपद में सुशांत संकल्प यात्रा को काफ़ी समर्थन मिल रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी में आप पार्टी आम जनता के सामने दिल्ली मॉडल के नाम पर वोट मांगेगी और उन्हें उम्मीद है कि जनता का आपको प्यार और समर्थन मिलेगा। तो पंजाब में भी, यहाँ भी और दिल्ली में भी, पार्लियामेंट में भी, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा, हम किसानों के इन मांगों का समर्थन करेंगे और ये काले कानूनों का डट के विरोध करेंगे और उसी के लिए हम उत्तराखंड में आए हैं। इस इलाके को मिनी पंजाब बोलते हैं और जहाँ पंजाब हो वहाँ जोश ना हो, ये हो नहीं सकता। ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूं, पर हाँ मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली का मॉडल, हम सच्चा मॉडल दिल्ली का पेश करेंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन सच्चे दिन आ सकते हैं दिल्ली की तरह, जहाँ शिक्षा और मेडिकल और बिजली पानी में बहुत बड़े काम हुए हैं, जो दुनिया भर में जिनकी चर्चा है, वो मॉडल हम घर घर लेके जाएं।